एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। और आज है संडे, तो संडे है और हम लोग है ना काफ़ी लेट उठे हैं, क्योंकि एक नाइट पहले है ना मैं गई थी अपने फ्रेंड के घर, तो वहाँ पे हमारा गेट टुगेदर था, डिनर पार्टी थी, तो बस वहाँ गए थे और कई और भी फैमिलीज वगैरह थी। तो अगर आप डिनर पर जाते तो लेट तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत ना हो करके ना बहुत लेट हो गया था, क्योंकि सब वहाँ पे खाना पीना तो साथ ही साथ चल रहा था और हंसी मजाक बातें चलते हो ही रही थी। तो बस ऐसे करते करते ना काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट 4 बज गए थे हमें वहाँ पे, और हम बातें करते और घर आते आते 5 बज गए, और सोते सोते काफ़ी लेट हो गया। तो हम सुबह के टाइम में तो सोए हैं, तो जाहिर सी बात है लेट ही उठेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। तो बस अभी हम लोग सोकर उठे हैं और बच्चे और हस्बैंड वो भी उठ रहे हैं, अब धीरे धीरे हमारी सुबह हो रही है। और आज है ना कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, आज ब्रेकफास्ट की छुट्टी, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम जा चुका है। और बस अब मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी, और आज का ब्रेकफास्ट लंच सब सारी मील जो है ना एक ही साथ बनेगा। तो अभी देखते हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं क्या बनाएं। वैसे तो चिकन है, चिकन बनाएंगे जहाँ तक कि, तो अभी तो आराम से हमारा मॉर्निंग ही चल रहा है और अब बज रहे हैं 1:15। हम लोग बैठे हैं आराम से, अभी बस टीवी चालू कर दी है, अभी तो फिलहाल नहीं क्योंकि म्यूट करके रखा है। अभी हम लोग बस सोचे थोड़ी आपसे बातें करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये जनाब अपने गले का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि गले में वहाँ पे काफ़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी और नाइट हो गई थी, तो आते आते काफ़ी ठंडक जैसी फील हो रही थी। तो बस अभी जब सोकर उठे ना तब एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गले में लग रहा है। तो बस अभी उन्होंने चाय वगैरह पी है और क्या, ये विभा विभा मम्मा का नाम क्या है, मम्मा इनकी नींद अभी खुली है, इनकी सुबह ही चल रही है, अभी भी चाय पी लो डायरेक्ट। सुबह तो हो गई है पर कितनी बजे हुई है वो कुछ आइडिया नहीं है। अरे हमारा छुटकू हाय कर रहा है, बाय नहीं, हाय और बाय दोनों साथ में चल रहा है इसका। तो बस अभी हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और मैं स्टार्ट करती हूँ अब कुकिंग वगैरह लंच की। आज लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब मिक्स है, एक ही बार बनेगा खाना वो चलेगा रात तक। तो बस अब मैं चलती हूँ, अपना काम वाम निपटाती हूँ और बच्चों को रेडी करती हूँ और टेस्टी सा चिकन बनाती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो लेजी तो खैर बहुत ही फील हो रहा है, बट यही है कि अब पहले सबसे पहले मैं नहा लूँगी, इसके बाद कुकिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो हस्बैंड भी बच्चे को नहला देंगे, क्योंकि संडे का दिन होता है ना तो हमारा काम बट जाता है, मतलब हम दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं, बच्चों को रेडी ये कर देते हैं, इसके बाद जो घर के काम वाम होते हैं वो हम आपस में शेयर कर लेते हैं। तो बस अब ये चल जा रहे हैं बच्चों को रेडी करने, और इधर मैं भी रेडी हो जाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो बस मैंने नहा लिया है और नहाने से बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स लग रहा है अंदर से, क्योंकि जब सोकर उठी थी ना तो ऐसा लग रहा था कुछ नहीं करो आज बस रेस्ट करना है, ऐसा फील हो रहा था। बट वही है ना कि लेडीज़ हैं तो उनका तो डेली का काम है, करना है तो करना ही है। तो बस नहाने से काफ़ी फ्रेशनेस से फील हो रही है, और बस अब मैं करूँगी घर के काम वगैरह स्टार्ट। और इधर मैं बना रही हूँ लंच, तो लंच में मैंने चिकन को है ना चिकन लेग पीस बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर पे लेग पीस ही ज़्यादा खाया जाता है और बनाने में भी इजी रहता है, जल्दी गल जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने ना चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, स्किन जो ऊपर की होती है ना उसे साफ़ कर लिया है, और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का छोटा सा पीस, और लहसुन अच्छी क्वान्टिटी में लेना है, इसको मैं चॉप कर रही हूँ, और इसमें अच्छी क्वांटिटी में हरी मिर्च मैं ऐड करूँ, क्योंकि लाल मिर्च मैं कम ऐड करूँगी, हरी मिर्च का जो अपना फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छे से निकल के आता है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं चिकन। तो मैंने ना ये प्याज कट कर लिया है, दो बड़े साइज़ प्याज, दो बड़े साइज़ टमाटर लिए हैं, और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का है ना एक साथ इनको दरदरा पीस लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, दरदरा ही होना चाहिए। और यहाँ मैं मसाले में मैंने लिया है नमक, हल्दी, मिर्ची, हल्दी थोड़ी सी ऐड करी है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और चिकन मसाला, इसमें थोड़ा सा मैंने
टेस्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लाने के लिए मैंने इसे थोड़ा पाव भाजी मसाला भी ऐड किया है। तो ये और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारे मसाले ऐड करके पानी ऐड कर दिया है। और जब तक मसाले अच्छे से सेट हो जाएंगे, भींग जाएंगे, तब तक मैं कर लेती हूँ बाकी के काम। तो चिकन को सबसे पहले कर लेते हैं मैरिनेट फटाफट। तो वैसे मैं इसमें कर्ड ऐड करती हूँ, बट आज मैं कर्ड नहीं ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का जो वो दरदरा सा मसाला बनाया था ना, उसी मसाले से मैरिनेट करूँगी और थोड़ा सा रख लूँगी ग्रेवी में ऐड करने के लिए। और इसमें मैरिनेट में ना आपका जाएगा काली मिर्ची जाएगा और लेमन, ये मैं ऐड करूँगी, और नमक। बस इसी से अपना रख दूँगी चिकन को सेट होने के लिए। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, इसमें है ना मैंने साबुत मसाले भी ऐड किए हैं। तो लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, बस यही सारी चीज़। तो चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है और आधे घंटे के लिए रख दिया है। और आप इसे जितना ज़्यादा रखो, मतलब इसको मैरिनेट होने के लिए, वो उतना अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। तो यहाँ मैंने कर ली है सारी चीज़ों की तैयारी। और ये मैंने कस्तूरी, सूखी कस्तूरी मेथी भी पानी में डिप करके रखी है। और बस अब मैं करूँगी, मतलब पैन में ऑयल लिया है और चिकन को फ्राई कर लेना है। चिकन फ्राई कर मतलब हाफ कुक हो जाता है ऑलरेडी फ्राई करते करते। तो चिकन मैं बना रही हूँ कुकर में। तो सबसे पहले ऑयल लिया है और इसमें जाएगा हमारा जीरा, और जो वो होते हैं ना कोरिएंडर शीट्स होते हैं, वो थोड़ा सा ऐड करने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्रंचीनेस आ जाती है चिकन ग्रेवी में। तो वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था ना, पेस्ट नहीं मतलब जो दरदरा मैंने बनाया था ना मसाला, वो ऐड करूँगी। और बस वो ऐड करके प्याज के साथ थोड़ी देर उसको भूनना है। फिर इसमें चिकन पीस ऐड कर देना जो फ्राई करके रखे थे ना, वो ऐड कर देना है। और इसमें नमक ऐड कर देना थोड़ा सा, और फिर इसके साथ टमाटर भी। फिर इनको अच्छे से पकने देना, नमक के साथ ही इनको पकाना है, बिल्कुल अच्छे से गल जाए। इसके बाद है ना जो मसाले हमने भिंगोए थे ना, वो मसाले ऐड कर देंगे। और बस इसको बिना पानी नहीं ऐड करना, बस इसे ऐसे ही पकाना है सिम पे। तो चिकन यहाँ बिल्कुल अच्छे से गल गया है। और उसमें ना उस टाइम पानी नहीं ऐड किया था, जो टमाटर प्याज और चिकन का जो खुद का पानी निकलता ना, उसी में ही उसे पकाना है। और बस एक सीटी लगाई है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गर्म पानी। तो गर्म पानी ऐड करने के बाद फिर इसमें कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा सॉल्ट और हल्की सी मिर्च अगर आपको लगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि हरी मिर्च इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, तो ज़्यादा लाल मिर्च ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है और इसको वापस से सीटी लगा दूँगी कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद। जब तक चिकन बन रहा है, इसमें एक दो सीटी और लगाएंगे और अच्छे से बिल्कुल कुक हो जाएगा। और इधर मैंने बकवीट बन रहा है, मेरे ऑलमोस्ट डन है, और राइस बन चुके हैं। और मैं है ना साक्षी मेरी राइस नहीं खाती है चिकन के साथ, तो मैं उसके लिए चपाती बनाऊँगी। तो यहाँ मैं आटा गूँध रही हूँ। और अब बस मैं फ्री हो गई हूँ और थोड़ा बच्चों को बाहर लेकर जा रही हूँ। खाना वाना सबने खा लिया है, तो बस बच्चों को बाहर घुमाने ले जाऊंगी, यही नीचे पार्क में बिल्डिंग के नीचे। एवरीबॉडी, मेरा नाम है साक्षी नथानी, आप देख रहे हैं साक्षी नथानी चैनल, और मैं आई हूँ पार्क में। ऐसे मैं घूम रही हूँ अपने कार्टून के साथ और सारी कॉन्स्टेंजर आंटी मेरे पीछे पड़ गई है। और ये रहा मेरा भाई, और बस मैं आंटी मुझसे दूर रहो। मैं बात कर रही हूँ मेरी मम्मी के साथ आई हूँ मैं, और ये बाकी लोग बात करो। ये मेरी हीरोइन है ना, मेरे चैनल के नाम से अपना चैनल अपना बताती है, कार्टून के नाम से हगी बगी। ये टिंगू से हाय हाय हाय, हेलो, आ जाओ आप भी खेलो, चाय पी लो। तो मैं इनको लेकर आई हूँ पार्क में, मौसम अच्छा है,
और ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक ठीक मौसम है, क्लाउडी है और बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की अभी हवा चलना स्टार्ट हुई है, पहले तो कुछ भी नहीं था, ऐसे हो रहा था इससे, आज तो पत्ते हिलने वाले ही नहीं है, बट अभी अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। तो बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी देर इनको खिला के फिर ले जाऊंगी घर। थोड़े नहीं, 10 घंटे और। 10 घंटे तो पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी साक्षी को। ये बात तो सही है। तो साक्षी पूरी रात यहाँ रहेगी ना? यस। और हैत्विक? अपने अपने काटों के साथ। हैत्विक माँ से पार्क में आते, इनको डर बहुत जल्दी लग जाता है, हर बात बोलते मैं डर गया, मैं डर गया, बोलते डर गया, डर गया, अगेन डर गया, डर गया। हेलो, जंगल में आ जाओ। जंगल में नहीं है, हम पार्क में हैं। आजकल हैत्विक को बहुत इंटरेस्ट आता है, जो हम बोलते हैं, जो साक्षी बोलती है वो रिपीट करता है। अब मैं अपने हगी वगी से हेलो, हेलो, हाय गाइस, मैं डर गया, डर गया। टाइम है तकरीबन 5 बज रहे हैं और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं करती हूँ इन। तो गाइस सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।